वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हैं सभी लोग सो चलो स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवील जी हां आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसका एक ऐसा कोरिलेशन जो गवर्नर को रिप्लेस करने वाला कोरिलेशन था बट गवर्नर को रिप्लेस कर ना पाया ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है फ्लाईवील कैसे काम करता है क्या इसका मेन फंक्शन है अच्छा मेन फंक्शन के ऊपर क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं ये सारी चीजें बात होंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस ब्यूटीफुल सेशन को सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग

नाइन ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट टेकन बाई मी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग दट इज थ्योरी ऑफ मशीन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मशीन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर मैं आपको बताना चाहूं अगर मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज अगर आप मेरा कोड यूज करते हो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज ये बताओ आवाज सही आ रही है एक बार बता दो वॉइस इज क्लियर यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल चलिए मेरी आवाज सही आ रही होगी गाइस अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आप प्लस या आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो प्लस पे मेरा बैच चल रहा है इस समय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चल रहा है डियर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद थ्योरी ऑफ मशीन होगा तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग ज्वाइन कर लो प्लस का और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपको जो लेने का है तो आप ले सकते हो आप कोड यूज कर सकते हो मेरा दैट इज आलोक लाइव ध्यान रखिएगा कोड इज आलोक लाइव प्लस जब आप लोगे बेटा तो वहां आपको डाउट सॉल्विंग सेशन वीकली टेस्ट क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस रैंक इंप्रूवमेंट बैच इंग्लिश हिंदी बैचेस ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बैचेस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो आपको प्लस का पूरा फंक्शन मिलेगा इसके साथ साथ पर्सनल कोच स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट ये सारी चीजें देखने को मिलेंगे डियर ध्यान रखिएगा नाउ गाइस अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ अनकेडमी लर्निंग ऐप पर ऐसे जुड़ सकते हो डियर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश एट द रेट लाइव पे नाउ गाइज आप मेरे सारे फ्री लेक्चर एक्सेस कर सकते हो एक पासवर्ड लगाना होगा आपको द तो पासवर्ड इज आ आपको पहले मुझे यहाँ फॉलो करना होगा फॉलो करते ही आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लिंक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे अपने आप नोटिफिकेशन आएगा बेटा उसके बाद आप क्लास को ओपन करने के लिए आप पासवर्ड लगा सकते हैं आलोक लाइव हाँ जी देखिएगा ध्यान से अगर मैं बात करना चाहूँ अनअकेडमिक कॉम्बेट की तो अनकेडमी कॉम्बेट जो है बेटा जो चल रहा है हमारा बेटे हर संडे हर संडे एवरी संडे अभी जो लास्ट कॉम्बे हुआ है दो तारीख को हुआ है बट इस बार का जो संडे है इज मई को हमारा होने वाला अगला कॉम्बेट कॉम्बेट का हिस्सा बनने के लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं डियर दैट इज आलोक लाइफ ठीक है अंदर सबसे बड़ी खासियत यह है बेटा कि यहां जो है आप टेस्ट देकर अपना स्कॉलरशिप कमा सकते हो और स्कॉलरशिप में आपको टॉप थ्री स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो वो भी एक बेस्ट है अपने टैलेंट के हिसाब से चलिए आगे बढ़ते हैं तो गाइज दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल आलोक लाइव का नाम है बेटा आलोक लाइव आप ये लिंक है टेलीग्राम चैनल का अदरवाइज आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम नाउ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है बेटा रात में चल रहा है थिक सिलेंडर मैंने कल खत्म कर दिया है थिक सिलेंडर पढ़ाया था मैंने नोट्स भी भेज दिया था थिक सिलेंडर का ठीक है थिक सिलेंडर पढ़ाने के बाद अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कुछ दिन के लिए रोका जाएगा रीजन क्या है उसका सबसे बड़ा रीजन है ये बेटा आज से स्टार्ट हो रहा है रात में ग्यारह बजे इलेवन पी है प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन फॉर डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इसके टोटल आठ से दस लेक्चर आएंगे डेली चलेगी ये क्लास ठीक है ना आठ से दस लेक्चर आएंगे और ये खत्म हो जाएगा रात में ग्यारह बजे ध्यान रखना थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास चलेगी प्रैक्टिस क्वेश्चन रात अभी सुबह आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं सुबह थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना कोई दिक्कत नहीं है जो चल रहा है सुबह वैसा ही चलता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है रात में एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी सुबह की क्लास रोकी नहीं जाएगी टेंशन मत लो ठीक है ना जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद टोम के बाद जो है बेटा मैकेनिक्स का क्वेश्चन कराएंगे देन उसके बाद बेटा हम आएंगे फिर से दोबारा सोम स्टार्ट करेंगे टेंशन मतलब सोम को बंद नहीं किया है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रैंकअप टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं व्हील बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल चलिए स्टार्ट किया जाए क्या कह रहे हैं सर आपका प्लस सोम गेट के लिए आएगा बिल्कुल आएगा बेटा गेट के लिए मेरा जो सब्जेक्ट है प्लस पे वो है पांच सब्जेक्ट जो मेरा पांच सब्जेक्ट है वो पांच के पांचों हथियार है मेरे पास ठीक है ना सोम टोम ए, आ, सोम हो गया टोम हो गया एमडी हो गया आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया और वाइब्रेशन हो गया ये पांच सब्जेक्ट जो है मेरे हैं गेट के और वो प्लस पे हैं ठीक है ना और मैं पढ़ा भी रहा हूं यू कैन सी दिस तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लाईवील को फ्लाईवील बहुत खतरनाक टॉपिक क्या होता है ये फ्लाईवील पहली बात तो बड़ा ही यूनिक नाम है इसके फ्लाई व्हील का फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट सेशन को लाइक वगैरह करते रहना ठीक है पहली बात तो मेरा क्वेश्चन ये है इसका नाम क्यों पड़ा फ्लाई व्हील ऐसा नाम क्यों पड़ गया भाई व्हील का मतलब तो समझ में आ गया चलो भाई ये फ्लाई व्हील क्यों पड़ गया क्यों नाम पड़ गया फ्लाई व्हील पहला क्वेश्चन तो मेरे जहन में ये आता है एक मजाकिया क्वेश्चन अगर मान लो किसी ने पूछ लिया ऐसे ही बैठे बैठे अच्छा ये बताओ फ्लाई व्हील का नाम फ्लाई व्हील क्यों पड़ा कुछ और रख लेते हैं फ्लाई व्हील क्यों बोला रीजन अच्छा फ्लाई व्हील मतलब उड़ने वाला व्हील <laughs> नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस ऐसा है कि फ्लाई व्हील का नाम जो है बेटा फ्लाई व्हील इसलिए रखा गया है क्योंकि फ्लाई व्हील जो है बेटा ये जो काम करता है जिस हिसाब से काम करता है ना उस हिसाब से इसका नाम रखा गया ठीक है तो चलिए देखते हैं बेटा क्या है इसके पीछे का रीजन जैसे गवर्नर के पीछे का गवर्नर नाम रखा गया क्या रीजन था बताया मैंने आपको तो चलिए देखते हैं बेटा फ्लाई व्हील क्या होता है अच्छा अगर मैं एक लाइन में पूछना चाहू फ्लाईवील क्या होता है तो बेटा आप बहुत ही सिंपल भाषा में लोग कहेंगे कि टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड या टू मेंटेन द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू कंट्रोल द एनर्जी सप्लाई जी हां साहब आप अपनी एनर्जी सप्लाई समझा लीजिए आप अपनी एनर्जी सप्लाई को संभाल लीजिए आपका फ्लाईवील तैयार है आपके लिए आप अगर स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं या उसको मेंटेन करना चाहते हैं कि भाई तुम मीन स्पीड पे ही चलोगे ना कम चलोगे ना ज्यादा चलोगे तो अब बारी है किसकी एनर्जी की हुआ क्या मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं बहुत ही सही तरीके से जब अपन गवर्नर की बात कर रहे थे मैं अभी फ्लाईवील को स्टार्ट कर रहा हूं मैं एक लाइन की बात करना चाहता हूं सुनिएगा साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब अपन गवर्नर की बात कर रहे थे तो गवर्नर भाई साहब ने यह बोला कि हम स्पीड को कंट्रोल करेंगे ठीक है तो असिस्टेंट ने क्या किया था स्पीड को कंट्रोल तो करेंगे बट फ्यूल सप्लाई से ठीक है अब फ्लाईवील जब हमारे सिस्टम में आया तब तक गवर्नर आ चुका था सुनने की कोशिश कीजिएगा फ्लाईवील की जब हमारे सिस्टम में बात हुई तब तक गवर्नर आ चुका था बिल्कुल मस्त गवर्नर चल रहा था सब कुछ सिस्टम सही चल रहा था ठीक है अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है ये भी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कंट्रोल करता है वो भी करता है बिल्कुल करता है दोनों का काम एक ही है फिर दो अलग अलग आदमी क्यों अगर दोनों का काम एक ही है अगर आपको कोई एक काम करवाना है एक ही काम तो दो अलग अलग आदमी क्यों जल्दी करवाना है नहीं सर यहां जो रीजन है यहां ये रीजन है गवर्नर जो है वो फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करता है और जब फ्यूल सप्लाई फ्यूल अंदर आना शुरू हुआ तो हमारे सिस्टम में चार प्रोसेस हुआ सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट चार प्रोसेस हुआ इन चार प्रोसेस के दौरान इन चार प्रोसेस के दौरान ये जो पिस्टन आगे पीछे जा रहा है ये जो क्रैंक रोटेट कर रहा है जिसकी वजह से फ्यूल तो अंदर आ गया फ्यूल तो अंदर आ गया फ्यूल अंदर आने के बाद ये जो सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट ये जो चल रहा है ना इनके बीच में एक एनर्जी है इनको एक एनर्जी मिल रही है जैसे मान लीजिए हमें एक्सपेंशन होना है मतलब पावर स्ट्रोक देना है तो कंप्रेशन में गैस क्या होती है कंप्रेस होती है और ब्लास्ट होता है तो एक एक पीछे की ओर फेंकता है तो बेटा वो एनर्जी है जो इसको पीछे की ओर फेंक रहा है ये एक एनर्जी है जो इसको आगे पीछे कर रही है फ्यूल तो आ गया गवर्नर का, का काम खत्म फ्यूल तो आ रहा है अंदर बट फ्यूल के अंदर आने के बाद क्या हो रहा है यह कहानी फ्लाईविल बताएगा आपको फ्यूल अंदर आया फ्यूल अंदर आने पर सक्शन हुआ फिर उसको हम कंप्रेस किए फिर वहां से कंप्रेस्ड वाला ब्लास्ट हुआ तो पावर स्ट्रोक मिला फिर उसको हम बर्ड गैस को निकालना चाहे तो एग्जॉस्ट किए किए ना ये चार प्रोसेस ये चार प्रोसेस समझने की कोशिश करना इन चारों प्रोसेस में इक्वल टाइप ऑफ एनर्जी नहीं मिल पा रहा किसी में ज्यादा एनर्जी मिल रहा है किसी में कम एनर्जी मिल रहा है किसी में कुछ भी हो जा रहा है इस एनर्जी के फ्लक्चुएशन के कारण जो सिस्टम में एनर्जी डेवलप हो रहा है एनर्जी की बात समझ गए जो सक्शन, कंप्रेशन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट जो हो रहा है ये चार अलग अलग एनर्जी इन एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम लगाया गया तो इस बार तो गवर्नर कहां लगाया? गवर्नर तो सिलेंडर के बगल में ही लगा था इधर सिलेंडर के बगल में ही कनेक्ट किया गया था आउटपुट से बिल्कुल इस बार जो है इस एनर्जी का फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा किसका होता था क्रैंक पे होता था क्रैंक एक छोटा हिस्सा जिसके कारण इस एनर्जी के फ्लक्चुएशन कारण बेचारा क्रैंक झटके खाता था ठीक है ना उसको संभालने के लिए हम एक ऐसा चीज लेकर आए जो एनर्जी को एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकती है और जरूरत पड़ने पर डिलीवर कर सकती है जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट ज्यादा पैसे हो गए संभाल कर रख लो जब जरूरत होगी तो बैंक से जाकर निकाल लेना एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर कर सकती है और जब जरूरत पड़ेगी तो आपको वापस दे सकती है जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी ही ताकि आपकी आपका एनर्जी भी कांस्टेंट के रूप में रहे एनर्जी वैसे कांस्टेंट नहीं होता कभी वर्कडन पर साइकिल हमेशा सही रहे ठीक है ना तो ध्यान रखिएगा वो चीज सही रहे उसके लिए हमने क्या सिस्टम मिलाया फ्लाई व्हील अच्छा एक ऐसा व्हील अच्छा इसको देखा कब गया जैसे मान लीजिए आपके घर में सीलिंग फैन है ठीक है ना पहले सुन लीजिए इसकी कहानी सुनिए समझने की कोशिश करिए तब मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तब मैं इस पेज को आगे बढ़ाऊंगा ध्यान सुनना ठीक है ऐसा व्हील जैसे आपके घर में सीलिंग फैन है आप स्विच ऑन करो सीलिंग फैन का स्विच ऑन करो ऑन करते ही जब सीलिंग फैन घूमना शुरू हो जाए फिर सीलिंग स्विच ऑफ कर दो तुमने तो स्विच ऑफ कर दिया तुमने तो एनर्जी देनी बंद कर दी जी सर एनर्जी देनी बंद कर दी फिर ये कैसे घूम रहा है, है कि नहीं बात पॉइंट है कि नहीं है तुमने एनर्जी देना बंद कर दिया फिर भी घूम रहा है सर आपने जितनी देर इसको घुमाया उसके कारण एक एनर्जी स्टोर हो गई सिस्टम के अंदर और ये एनर्जी जब आपने स्विच बंद कर दिया रिलीज हो रही है ये एनर्जी क्या हो रही है रिलीज हो रही है और वो रिलीज हो रहा है तो एक्स्ट्रा रोटेशन दिखाई दे रहा है तो बेटा एनर्जी को स्टोर करना एनर्जी को स्टोर कैसे किया घुमाते घुमाते जैसे बचपन में साइकिल जब चलाते थे ठीक है ना अब आप, आप करते थे कि नहीं भाई लेकिन मैं तो करता था जब साइकिल चलाते थे तो अपन क्या करते थे चार पांच पैडल खींच के मार देते थे फिर ये पैर ऊपर उठा लिया करते थे कि मस्त साइकिल चल रही हमें पैडल नहीं मारने की जरूरत है ना साइकिल को जो चलाते थे ये पैडल खींच के मारते थे और पैडल खींच के मारते ही पैर ऊपर उठा लेते नहीं अब नहीं चलाना या पैर रखे रहते थे अपने आप अपने आप साइकिल चल रहा होता क्यों क्योंकि जब आपने उसको तेजी से रोटेशन दिया ठीक है ना हाई स्पीड में रोटेशन दिया ठीक है ना तो उसके अंदर एक एनर्जी जनरेट हुआ वो एनर्जी स्टोर कर लिया उस व्हील ने जो टायर है ना चक्का दो उसकी व्हील ने एनर्जी स्टोर कर लिया ठीक है ना तो इस चीज को ध्यान रखिएगा अच्छा जब आप क्लच दबा देते हो तो आपका गाड़ी फ्री हो जाता है बाइक तब भी वो चलता आगे क्यों रीजन है ना तो भाई एनर्जी स्टोर करने का एक डिवाइस चाहिए था तो हमारे सामने व्हील से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं था और एक हाई स्पीड में चलने वाला व्हील था ऐसा हाई स्पीड में चलने वाला अगर इस व्हील को धीरे धीरे चलाओगे ना तो एनर्जी स्टोर नहीं करेगा इस व्हील को हाई पे चलाओगे तो एनर्जी बहुत खतरनाक स्टोर करेगा अब तुम साइकिल में एक पैडल मार के अब सोचोगे दस मिनट तक साइकिल चलता रहेगा नहीं ना हो सकता हाई स्पीड में जब चलाओगे हाई स्पीड में मारो पैडल ठीक है हाई स्पीड में तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी इतनी हाई स्पीड में एक व्हील के अंदर एनर्जी स्टोर होने के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि व्हील इतनी तेजी से नाच रहा है इतनी तेजी से नाच रहा है कि उड़ता हुआ नजर आता है ना जमीन से ऊपर ही उड़ता हुआ नजर आता है इतनी तेजी से नाचता है वो इसलिए इसका नाम रखा गया था फ्लाई व्हील फ्लाइंग व्हील इसका नाम था फ्लाइंग व्हील बाद में तोड़ के रखा गया फ्लाई व्हील फ्लाइंग का मतलब कंटिन्यूसली नाचेगा इसका नाम पहले नाम रखा था फ्लाइंग व्हील कंटिन्यूसली नाचने वाला व्हील लेकिन बाद में पता चला एनर्जी खत्म हो जाएगी तो कंटिन्यूसली नहीं नाचेगी इसलिए आईएनजी हटा दिया फ्लाई व्हील नाम रखा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लाई व्हील को देखिए क्या है <coughs> फ्लाई व्हील का कहानी क्या है इन एवरी मशीन देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट एट विच एनर्जी सप्लाइड एंड वन पॉइंट एट विच एनर्जी इज डिलीवर एक पॉइंट से एनर्जी लेते हैं और दूसरे पॉइंट को डिलीवर करते हैं यही होता है किसी भी इंजन में एक पॉइंट से एनर्जी लेते हैं दूसरे पॉइंट को डिलीवर करते हैं जैसे पिस्टन सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट से एनर्जी ली और दूसरे को डिलीवर कर दिए जी सर बिटवीन दीज टू पॉइंट देर अनडिजायरेबल वेरिएशन इन एनर्जी सत्य बात है कि सक्शन कंप्रेशन से लेकर क्रैंक तक जो एनर्जी जाती है ये इसके बीच में बहुत सारी अनडिजायरेबल एनर्जी होती है और स्पीड ऑफ मशीन इसको बचाने के लिए जो अनडिजायरेबल वेरिएशन हुआ है ना ये लाइन अनडिजायरेबल अनडिजायर्ड वेरिएशन ऑफ एनर्जी एंड स्पीड इसको कंट्रोल करने के लिए फ्लाई व्हील लाया फ्लाईवील इज द बैलेंस्ड स्पीडिंग व्हील ऑफ सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ एनर्सिया अच्छा आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा कोई भी व्हील अपने अंदर एनर्जी कैसे स्टोर कर लेती है सर उसकी मास के कारण सर उसकी मास के कारण उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है सुनिएगा ध्यान से एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर मैंने कहा क्या हुआ सर ये बताइए क्या व्हील रोटेट करेगा तभी एनर्जी स्टोर होगा सर व्हील रोटेट करेगा तभी एनर्जी स्टोर होगा ऐसे किसी और चीज में एनर्जी स्टोर नहीं हो सकता मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है बट व्हील में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि व्हील इज अ रोलिंग मोशन रोटेशन बहुत पॉसिबल है कि जल्दी से जल्दी हो जाए आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं एक मैराथन की बात करता हूं मैराथन मैराथन जो दौड़ते हैं ना उसमें मैराथन में कैसे दौड़ते हैं धीरे 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 दौड़ते हैं ना और एक बात करता हूं उसेन बोल्ट की जो हंड्रेड मीटर की रेस में मान लो हाई स्पीड में दौड़ा दो बातें करता हूं और मैं करता हूं सामने चिंटू को खड़ा कि चिंटू खड़े रहना जो भी आएगा इस लाइन के बाहर मत जाने देना मैराथन वाला ऐसे 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 आ रहा है चिंटू का रुक मैराथन वाला देखते ही कहेगा अच्छा तो उसके उसके यहां हाथ लगाएगा वो, वो रुक जाएगा क्यों क्योंकि वेरी स्लो स्पीड बट उसी चिंटू को मैं अगर हुसैन बोल्ट के सामने खड़ा कर दू तो हुसैन बोल्ट कुचलता हुआ निकल जाए हुसैन बोल्ट चाहे कि मैं रुक जाऊं फिर भी वो उसकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी डेवलप हो चुकी है दौड़ने के कारण कि लाइन क्रॉस फिनिशिंग लाइन क्रॉस होने के कई दूर तक वो दौड़ कर जाता है क्यों नहीं फिनिशिंग लाइन क्रॉस होते ही वहीं बैठ जाता है कोई नहीं होता है एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है देख लो जाके ओलंपिक ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर नहीं होता है हर एक बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होता है उसके मास के कारण उसके मास के कारण एनर्जी स्टोर होता है बट व्हील के अंदर ज्यादा कैपेसिटी है क्योंकि ये रोटेशन ले रहा है ट्रांसलेशन नहीं रोटेशन ले रहा है समझने की बात करना ये रोटेशन मोशन हो रहा है तो इसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी है इसलिए व्हील का नाम रखा गया था इसलिए फ्लाई व्हील रखा गया ध्यान रखिएगा ठीक ना अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात बताता हूं फिर मैं इस पॉइंट पे वापस आऊंगा बच्चा लोग मैं इस पॉइंट पे वापस आऊंगा यहां से दोबारा आपको बताऊंगा एक लाइन जा रहा हूं पीछे की ओर बात करने अच्छा मैं एक एक फिगर और दिखा देता हूं आप लोगों को देखो फ्लाई व्हील झटके ना लगे देखो ये फ्लाई व्हील इस गाड़ी को झटके ना लगे तो क्या लगाया गया भाई फ्लाई व्हील आप सुबह सुबह जिम में जाते हो अब तो लॉकडाउन लग गया बट ये आप देख पा रहे हो क्या है ये सर ये फ्लाई व्हील है ठीक है ना जस्ट लाइक अ फ्लाई व्हील तो यू कैन सी दिस मैं आपको एक छोटा सा जा रहा हूं एग्जाम्पल देने ठीक है और आप रिक्वेस्ट है सभी से कि कृपया करके इस सबको सुनिएगा बेटा जैसा आप जानते हैं चार प्रोसेस होता है मैं ये रफली एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट अगर आपने ये दस मिनट सुन लिया तो आप फ्लाई व्हील क्लियर कर लोगे ना और रिक्वेस्ट है किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं एक फॉर्मूले पे पूरी व्हील को घुमा दूंगा वेट करना दिखाता तो। हूं देखिएगा हम चार प्रोसेस जानते हैं एक होता है सक्शन एक होता है कंप्रेशन एक होता है एक्सपांशन या इसी को कहते हैं हम क्या पावर स्ट्रोक एक होता है एग्जॉस्ट चार प्रोसेस होता है ठीक है ना चार प्रोसेस होता है सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट एक ठीक है ना ये चार प्रोसेस होता है बच्चा लोग ध्यान से अब ये चार प्रोसेस क्या क्या है आइए लेकर चलते हैं। अच्छा ये बताइएगा आपको यह पता होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव ओके नाउ यू कैन सी दिस इन द सक्शन वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट मींस दिस इज द नेगेटिव प्रोसेस यस और नो दिस इज नेगेटिव इन द कंप्रेशन वर्क डन ऑन द सिस्टम दिस इज द नेगेटिव एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक दिस इज द पॉजिटिव एक्जॉस्ट इज वॉट दिस इज नेगेटिव वर्क डन ऑनस्टम दीन्स आईसी इंजन के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है और बाकी के तीन ऐसे प्रोसेस है जिसपे हमें एनर्जी देनी पड़ रही है ठीक है ना यू कैन सी दिसन एक ऐसा प्रोसेस मेरी बात समझिएगा एक ऐसा प्रोसेस जिस पे हमें एनर्जी देनी पड़ रही है वर्क करना पड़ रहा है ठीक है कमाने वाला एक खाने वाले तीन ठीक है मेरी कहानी ध्यान से सुनना अगर आपने ये स्टोरी सुन लिया दस मिनट आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्लियर हो जाएगा मैं गारंटी दे रहा हूं मैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम आपको पढ़ाऊंगा वेट कर ठीक है ना मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा टेंशन मतलब सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट ओके डन नाउ माय डियर फ्रेंड माय डियर फ्रेंड मैं इसको लेकर चलता हूं कमाने वाला एक खाने वाले तीन मान लो एक घर है एक परिवार है जिसमें एक आदमी कमा रहा है और बाकी के तीन आदमी खा रहे हैं उस पैसे से चलिएगा नाउ मान लीजिए घर का खर्चा है घर का खर्चा है नब्बे रुपए अब ये घर का खर्चा कांस्टेंट है नब्बे कैसे सक्सन ने बोला कि मैं रुपए लूंगा ठीक है भाई सक्षम को तीस रुपए चाहिए कंप्रेशन बोलता है मेरा खर्चा चालीस है एग्जॉस्ट बोलता है मेरा खर्चा बीस है तो कितना हो गया खर्चे खर्चा हो गया नब्बे ध्यान रखिएगा नाउ यू कैन सी दिस गाइस खर्चा हो गया नब्बे रुपए अब बारी आई क्या खर्चा हो गया नब्बे रुपए कमाया कितना मान लीजिए कमाने वाले ने कमाया सौ रुपए मान लीजिए कमाने वाले ने कितना कमाया सौ रुपए खर्चा कितने का है इस, इस महीने का इस महीने का खर्चा नब्बे रुपए का है ठीक है कमाने वाले ने कितना कमाया सौ रुपए मतलब पावर स्ट्रोक ने कितनी एनर्जी स्टोर की हंड्रेड की और खर्चा कितने का है नब्बे का है आई थिंक पावर स्ट्रोक ने ज्यादा एनर्जी स्टोर की बिल्कुल सर कितनी ज्यादा सर प्लस टेन ओके अच्छा पिताजी नेक्स्ट मंथ में मान लो ये घर के पिताजी हैं मान लो नेक्स्ट मंथ में पिताजी का तबियत खराब हो गया लेट अस सपोज पिताजी बीमार पड़ गए तो अब पिताजी की सैलरी क्या हो गए पिताजी ऑफिस नहीं जा पाए काम नहीं कर पाए पिताजी की सैलरी अस सपोज दिस मंथ पापा की सैलरी कितनी हो गई सत्तर सुनिएगा ध्यान से ठीक है मान लीजिए सत्तर मान लीजिए अस्सी अब पिताजी की तबियत खराब हो गए अस्सी रुपए सुनिएगा ध्यान से अब घर का खर्चा कितना है नब्बे ये इमोशन लेस फैमिली है ये फ्लाईवील है फ्लाईवील इमोशन लेस फैमिली दिस इज मशीन दिस इज नॉट अ फीलिंग मशीन ठीक ना इसके अंदर फीलिंग नहीं है सुनने की कोशिश करना इस बार पिताजी की सैलरी क्या हो गई कम हो गई इस बार पिताजी की सैलरी क्या हो गई कम हो गई अब जब पिताजी की सैलरी कम हो गई मेरे बच्चे घर का खर्चा कितना है नब्बे ठीक है ना अब सुनिएगा ये जो बचा के रखा था पापा ने पिछले मंथ कहा रखा था सर इसको पिताजी ने रखा था अपने बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट में जो संभाल के रखा था ये भागते हुए गए एटीएम के पास और एटीएम से दस रुपए निकाला और लेकर आ गए कहते हैं लो नब्बे रुपए जाओ जी लो अपनी जिंदगी बात समझ में आई जब एक्स्ट्रा हुआ तो स्टोर कर लिया जब जरूरत पड़ी तो निकाल कर लेकर आ गए इज दैट क्लियर कमाने वाला एक खाने वाले तीन जब एक्स्ट्रा हुआ तो स्टोर कर लिया और जब जरूरत पड़ी तो निकाल कर लाकर दे दिया इज क्लियर सो दिस इज द व्हील यही फंक्शन है व्हील का एनर्जी जब एक्सेस होता है क्योंकि ये चार प्रोसेस है इसमें एक ही प्रोसेस में हमें वर्क मिलता है दैट इज पावर स्ट्रोक इस प्रोसेस में हमें वर्क मिलता है और इस प्रोसेस में ये कहीं नहीं लिखा है कि एनर्जी हर बार बराबर मिलेगी कभी नब्बे रुपए कभी अस्सी रुपए कुछ भी हो सकता है ठीक ना हो सकता है इस बार की सैलरी अस्सी रुपए है क्लियर है ना तो हो सकता है इस बार की सैलरी अस्सी रुपए है कभी हमारी सैलरी सौ रुपए आ गई तो एनर्जी कभी ज्यादा आ गई कभी कम आ गई कभी कुछ भी ये सब चीज है जरूरी नहीं है कि हर बार का पावर स्ट्रोक के अंदर एनर्जी सेम आए बट हमें चलाना इन तीनों को है तो इन तीनों का खर्चा कॉन्स्टेंट है ठीक है ना तो इसको क्या करता है एक ऐसा डिवाइस है फ्लाईवील जो इस एक्सेस एनर्जी को स्टोर करता है तो फ्लाईवील का फंक्शन क्या है टू स्टोर द एक्स्ट्रा एनर्जी अगर आपसे कोई फ्लाईवील का फंक्शन पूछे तो पहला लाइन बोलिएगा टू स्टोर एक्स्ट्रा एनर्जी या फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कहते हैं इसको ठीक है ना एक्स्ट्रा एनर्जी या फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो एनर्जी फ्लक्चुएट हुई मतलब एक मीन लाइन जैसे खर्चा नब्बे रुपए है तो उससे ऊपर जो फ्लक्चुएट हुआ उसको संभाल लेता है सो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है स्टोर करने का काम करता है कौन फ्लाई व्हील आओ इधर आपको यहां आओ आपको यहां एक चीज मैंने आपको दिखाया यू कैन सी दिसव्हील इज अ बैलेंस्ड स्पिनिंग व्हील ग्निफिकेंस मूवमेंट ऑफ एनर्सिया ऐसा क्यों लिखा है वट इज द रीजन अब फ्लाइविल अपने अंदर एनर्जी कैसे स्टोर करता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है क्या मूवमेंट ऑफ एनर्सिया फ्लाइबिल अपने अंदर एनर्जी कैसे स्टोर करता है द रीजन बिहाइंड दिस इज मूवमेंट ऑफ एनर्सिया ठीक है ना उस रीजन बिहाइंड दिस इज मूवमेंट ऑफ एनर्सिया ट इज यूज टू कंट्रोल वेरिएशन इन स्पीड इट इज यूज टू कंट्रोल द वेरिएशन इन स्पीड ड्यूरिंग ऑफ इंजन मेकिंग मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ रोटेटिंग पार्ट क्वाइट लार्ज देखो मूवमेंट ऑफ एनर्जिया जितना ज्यादा होगा मतलब सिस्टम जितना ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा देख लो मूवमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ रोटेटिंग पार्ट क्वाइट लार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ठीक ना तो आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो यहां ये लोहे का इतना बड़ा व्हील अच्छा सिलाई मशीन देखा है जी सर देखा है अच्छा सिलाई मशीन आपने देखा होगा कई दर्जी आप देखे हो टेलर को। तो वो पैर से घुमाते रहते हैं ऐसे करते हैं ना पैर से पैर से आगे पीछे करते रहते हैं और एक बगल में व्हील लगा होता है जो दो तीन बार मार देते हैं फिर रुक जाते हैं फिर वो व्हील उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है वो व्हील इसी का छोटा हिस्सा है इसी को छोटा कर दो वो व्हील दिखाई देगी आप, आप जब सुबह सुबह जिम करने जाते हो तो दे पैडल दे पैडल मारना शुरू करते हो अब आप कुछ बच्चे क्या करते हैं दो चार पैडल मार के बैठ जाते हैं अच्छा ठीक अपने आप घूम रहा है हम अपने आप पतले हो रहे हैं ऐसा नहीं है ठीक है ना ये फ्लाई व्हील आपको जो है एक एनर्जी स्टोर करता है ठीक है ना अच्छा जब यहां ये लाइन बोला गया कि एनर्सिया पार्ट क्वाइट लार्ज क्वाइट लार्ज ठीक है ना इनर्सिया पार्ट लार्ज हो तो हमारे सिस्टम में दो फ्लाई व्हील जनरेट हुआ एक जनरेट हुआ रिंग टाइप जिसको हम दूसरे भाषा में रिंग टाइप कहते हैं ठीक है ना जो साइकिल का चक्का दिखाई देता है ना साइकिल का साइकिल व्हील दिस टाइप एंड सेकेंड इज डिस्क टाइप व्हाट अबाउट द डिस्क टाइप अरे दादा ये देखो ये क्या है सर दिस इज द डिस्क टाइप फ्लाई व्हील ये कौन सा फ्लाई व्हील है सर दिस इज द डिस्क टाइप फ्लाई व्हील ठीक है ना एंड दिस इज द रिम टाइप फ्लाई व्हील तो आप जरा ध्यान से देखना रिम टाइप फ्लाई व्हील अब देखो हमने क्या बोला यहां कि क्वाइट लार्जर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा अब जरा सोचो कि रिम टाइप की बात करो और डेस्क टाइप की तो आप जब सोचोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि यार रिम टाइप हल्का होता है डिस्क टाइप है, होगा। क्यों? क्यों इसके अंदर गैप होता है और यहां पूरे पूरे सिस्टम में मास होता है बिल्कुल सर इसीलिए द साइज ऑफ ए मूवमेंट ऑफ एनर्जी बैलेंस करने के लिए द साइज ऑफ रिम टाइप फ्लाईवील साइज बड़ा बनाया जाता है एज कंपेयर टू डिस्क टाइप ट मींस आप इसको उल्टा सोच सकते हो कि रिम टाइप फ्लाईवील को रिम टाइप फ्लाईवील को साइड करने के लिए मतलब उसको कॉम्पैक्ट से लाने के लिए हमने क्या सिस्टम मिलाया है डिस्क टाइप ताकि हमें ज्यादा ज्यादा एनर्जी स्टोर हो सके ठीक ना अच्छा आजकल आप देख रहे हो पहले पहले के जो बाइक होते थे उसमें क्या होता था स्पोक्स होता था मतलब हिंदी में बोलूं तो तिल्लियां लगी होती थी जैसे साइकिल में लगी होती थी बट अब वो हट गया है अब वो हट गया अब पूरा का पूरा एक सेप आता है ऐसा कुछ चौड़ा सा देख रहे रहे हो ना ना धीरे धीरे उसके अंदर मास इंप्रूव करते जा हैं ठीक न? मैं मानता हूं ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते पूरा का पूरा डिस्क नहीं बना सकते रीजन बिहाइंड दिस पूरा पूरा डिस्क बना देंगे एनर्जी एनर्ज... मास बढ़ जाएगा सिस्टम का और वही बाइक हैवी हो जाएगी तो ऐसा नहीं कर सकते ठीक है ना रिम टाइप फ्लाईवील क्या होता है थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू डिस्क टाइप चलिए आगे बढ़ते हैं क्या क्या होता है भाई फ्लाईवील में आप देख सकते हो फ्लाईविल के अंदर का फंक्शन दिखाऊंगा कंस्ट्रक्शन क्या क्या है दिखाऊंगा टेंशन मत लो अच्छा के अंदर जो होता है बेटा कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है ठीक है ना बिल्कुल गाइड सेशन को लाइक जरूर करते रहना ठीक है सेशन को लाइक जरूर करते रहना डियर अभी हम लेकर चलते हैं आपको आगे अच्छा कहा है का काम क्या था सर स्टोर करना था फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को जी सर फ्लक्चुएशन हो रहा था जी सर फ्लक्चुएशन हो रहा था फ्लक्चुएशन वर्ड याद आते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले एक वर्ड आता है यार फ्लक्चुएशन एनर्जी का अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो और किसका फ्लक्चुएशन हो रहा होगा सर अगर एनर्जी का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो स्पीड का भी फ्लक्चुएशन हो रहा होगा इंजन में बिल्कुल सत्य बात है अगर स्टोर कर रहे हैं हम एनर्जी को और डिलीवर कर रहे हैं एट द टाइम जब जरूरत पड़ रही है इसका मतलब एनर्जी को भी ए, ए, स्पीड को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं ठीक है ध्यान रखिएगा ठीक है टर्निंग मोमेंट डायग्राम में आपको कल बहुत अच्छे से समझाऊंगा बट आज मैं एक बेसिक चीजें बताने जा रहा हूं ठीक है बहुत ही बेसिक चीज समझाने जा रहा हूं देखना ध्यान से मैं टी थीटा डायग्राम टर्निंग मोमेंट डायग्राम जिसको हम क्रैंक एफर्ट डायग्राम कहते हैं वो मैं आपको चार स्ट्रोक इंजन मतलब फोर स्ट्रोक इंजन का अच्छे से अगर बात करूं तो कल बताऊंगा टेंशन मत लेना ठीक है अच्छा देखो दिस इज सक्शन दिस इज कंप्रेशन दिस इज एक्सपेंशन दिस इज एग्जॉस्ट ठीक है ये चार प्रोसेस है ठीक है

कि कई सारे प्रोसेस नेगेटिव और कई सारे प्रोसेस पॉजिटिव होते हैं ओके okay. इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से हमारे स्पीड का भी फ्लक्चुएशन होता है बिल्कुल सर तो हमारे स्पीड का जो फ्लक्चुएशन होता है वो कैसा होता है मैं आपको वही दिखाना चाहता देखिए हमारे स्पीड का जो फ्लक्चुएशन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कभी ज्यादा देखिए ये है ये हमने क्या बनाया एक ऐसा ग्राफ बनाया जिसके अंदर हमारा स्पीड है अब सुनिएगा ध्यान से यहां स्पीड पॉजिटिव है यहां पॉजिटिव है यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है यहां नेगेटिव है यहां नेगेटिव है बिल्कुल देखो ग्राफ ग्राफ ऊपर नीचे बिल्कुल अगर मैं आपसे पूछूं फ्लक्चुएशन क्या है तो आप क्या बताओगे सुनोगे मेरी बात अगर मान लीजिए पॉजिटिव का एन वन है ये एन टू है और ये एन थ्री है ठीक है और मान लीजिए ये नेगेटिव का एन वन है बताता हूं एन वन एन टू एन थ्री क्या ये n2 एन टू है ये एन थ्री मतलब पॉजिटिव साइकिल का स्पीड एन वन पॉजिटिव साइकिल का स्पीड एन टू पॉजिटिव साइकिल का स्पीड एन थ्री नेगेटिव साइकिल का स्पीड एन वन नेगेटिव साइकिल का स्पीड एन टू और नेगेटिव साइकिल का स्पीड एन थ्री है जी सर अगर मैं आपसे पूछूं फ्लक्चुएशन कहां से कहां तक हो रहा है व्हाट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड तो आप क्या जवाब दोगे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड तो आप क्या जवाब दोगे मुझे बताओ मैं आपको ये साइकिल बनाकर दे दिया अब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ठीक है ध्यान रखिएगा व्हाट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड गाइस व्हाट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड सर सुनने की कोशिश करिएगा मेरी बात ध्यान से किस फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का मतलब यह है बेटा कि आप उसकी बात कर रहे हो कि जिसके बीच में बेटा मैंने आपको गवर्नर पढ़ाया फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को क्या बोला था सर आपने क्या बोला था फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को बेटा मैंने बोला था रेंज याद आ रहा है रेंज ऑफ स्पीड याद आ रहा है जी सर तो बच्चा रेंज की बात करता हूं सुनना मेरी बात मैं रेंज की जा रहा हूं बात करने देखो ये देखो बच्चा लोग आप ये दो लाइन देख रहे हो जी सर ऊपर वाला थोड़ा सा आपको या अब देखिएगा जी सर बिल्कुल देख रहे बेटा अगर मैं आपसे पूछूं फ्लक्चुएशन किससे किसके बीच में हुआ है तो आप क्या कहिएगा सर यहां से इसके बीच में मतलब ये दो डॉट लाइन है ना इनके बीच में फ्लक्चुएशन हुआ है इसका मतलब हमें पता होना चाहिए हमारी गाड़ी में किस तरीके का फ्लक्चुएशन हो रहा है ताकि हम एनर्जी की सप्लाई उसी तरीके से कर सके बात समझ में आया तो हम फ्लक्चुएशन को बात करने जा रहे हैं फ्लक्चुएशन कहां से कहां हुआ ओके okay. तो पॉजिटिव का मैक्सिमम सिरा फ्लक्चुएशन कहां से हुआ एन वन एन टू एन थ्री का मैक्सिमम हिस्सा जहां है और नेगेटिव का मिनिमम हिस्सा जहां है उनके बीच में फ्लक्चुएशन हुआ इसका मतलब रेंज जो है फ्लक्चुएशन ये, ये क्या हुआ सर ये हुआ मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड आया ना सर मैक्सिमम कैसे पता करें अरे भाई मैक्सिमम एन वन एन टू एन थ्री में जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम एन वन एन टू एन थ्री में जो मिनिमम है वो मिनिमम दैट्स इट दिस इज द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड तो हमारा जो है बेटा ये अगर दूसरे भाषा में अगर मैं बात करना चाहूं ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या होता है बेटा दिस इज द रेंज ऑफ स्पीड ये हमारा रेंज होता है ध्यान रखिएगा दिस इज द रेंज ऑफ स्पीड मतलब पूरे गाड़ी का इंजन जो है वो इसी के बीच में पूरा फ्लक्चुएशन हुआ है पूरे गाड़ी में इसी के बीच में हमारा फ्लक्चुएशन हुआ है सारा चीज जो है इसी के बीच में है दिस इज द रेंज ओके अब बात आती है कि जब आपको फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड पता है तो एक काम करते हैं इसका कॉफिशियंट निकालते हैं वट इज द कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड वट इज दफिशियंट कॉफिशियंट of fluctuation of speed अच्छा ये क्या होता है सर ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये है क्या बेटा देखो मैं आपको बताता हूं किस हिसाब से फ्लक्चुएशन हुआ हमें थोड़ी ना पता है अब हमें थोड़ी ना पता है ये किसका साइकिल है अगर मैं आपको आंख बूंद के बोलूं कि ये सिक्स स्ट्रोक इंजन का साइकिल है तो आप मान लेंगे नहीं सर अगर मैं आपको बोलूं टू स्ट्रोक का है फोर स्ट्रोक का है अब आई डोंट नो किसका मुझे नहीं पता किसका है ठीक है ना तो इसीलिए अपन क्या करते हैं हमें नहीं पता लेकिन हमें पता है हाँ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का फॉर्मूला चाहे सिक्स स्ट्रोक हो फोर हो चाहे टू हो चाहे आठ स्ट्रोक हो चाहे पंद्रह स्ट्रोक हो क्वेश्चन में तो पचास स्ट्रोक हो जाता है क्वेश्चन में तो कुछ भी स्ट्रोक हो सकता है हमें क्या मतलब कितना भी स्ट्रोक का साइकिल हो कैसा भी साइकिल हो फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला यही होगा ये यह हमें पता है अच्छा बट जो फ्लक्चुएशन है फोर स्ट्रोक में अलग होगा टू स्ट्रोक में अलग होगा सिक्स स्ट्रोक इंजन में अलग होगा हर एक इंजन का अलग अलग फ्लक्चुएशन होगा यस और नो ठीक है ना यस और नो एक बार बताओ अलग अलग होगा हर एक स्ट्रोक इंजन का अलग अलग फ्लक्चुएशन होगा जी सर तो किस हिसाब से होगा मैं आपसे पूछता हूं हिसाब से होगा जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास मेरे पास एक बॉडी है जिस जो कॉपर है मेरे पास एक बॉडी है जो एल्यूमिनियम है मा, मान लो क्या मेरे पास एक बॉडी है जो स्टील है मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो तीनों अपने अपने हिसाब से फैलेगा सबको पता है कि थर्मल स्ट्रेस होगा टेम्परेचर बढ़ाओगे हो तो लेकिन तीनों अपने अपने हिसाब से जाएगा क्यों क्योंकि तीनों का अपना अपना कैपेसिटी है तो ऐसे ही टू स्ट्रोक हो फोर स्ट्रोक हो सिक्स स्ट्रोक हो फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला तो यही होगा बट तीनों अपने अपने हिसाब से जाएगा तो किस हिसाब से जाएगा उसके लिए हम लेकर आए सिस्टम में क्या उसके लिए हम सिस्टम में जनरेट किए कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ओके वट इज द कॉफिशियट ऑफ फ्लक्चुएशन कहीं 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 इसको के एस दिखाते हैं कहीं कहीं इसको सी एस दिखाते हैं ठीक है के एस से दिखाते हैं या कहीं कहीं से भी दिखाते हैं फॉर 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 स्पीड स्पीड और के को मान लिया कोफिशियंट ठीक है ना क्या होगा सर कॉफिशियंट किसका अरे बेटा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का अच्छा क्या होता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड सर मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड ही तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है जी डिवाइड क्यों लगाया अभी बताता। बता का यूनिट होता है नहीं सर अगर कॉफिशियंट का यूनिट नहीं होता ऊपर में क्या है आरपीएम जी सर तो नीचे हमें इस किसी चीज से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे ये कट जाए इसका यूनिट ना बने तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा किसी आरपीएम से मतलब किसी न किसी स्पीड से जी सर तो वह स्पीड कौन सी हो? तो सर उस स्पीड का नाम है नील्स स्पीड का नाम है मीन स्पीड अब सुनिएगा क्यों मीन स्पीड से डिवाइड किया द रीजन एंड क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्पीड मान लीजिए ये लाइन जो है आपकी बीचो बीच दिस इज द मीन स्पीड लाइन दिस इज द वैसे तो ये मीन नहीं है बेटा ये जीरो लाइन है पहली बात तो मैं आपको बता दूं दिस इज नॉट अ मीन दिस इज द जीरो लाइन ठीक है ना इसको हम जीरो लाइन बोलते हैं, बट मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं लेटेस्ट सब कुछ तो फोर स्ट्रोक हो चाहे टू स्ट्रोक हो चाहे सिक्स स्ट्रोक हो नहीं करता मीन स्पीड से उसने कितना फ्लक्चुएशन किया ये हर साइकिल का अलग अलग होगा इसी के लिए हम लोग टर्निंग वन डायग्राम खींचते हैं इसीलिए हम लोग टर्निंग वन डायग्राम खींचते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है यहां से जनरेट होता है कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मीन स्पीड से कितना ऊपर और नीचे गया सो दैट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मीन स्पीड से कोई भी साइकिल अपनी मीन स्पीड से कितना ऊपर और नीचे गया ठीक है ना दिस इज द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मीन लाइन से कितना ऊपर नीचे गया चाहे टू स्ट्रोक हो फोर स्ट्रोक हो सिक्स स्ट्रोक हो कोई मैटर नहीं करता सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जल्दी जल्दी बताओ फिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड समझ में आया हाँ जी यस इट इज सिमिलर टू द सेंसिटिविटी इट इज सिमिलर टू द सेंसिटिविटी फॉर्मूला फॉर गवर्नर सिमिलर फॉर्मूला टू सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर सेम टू सेम बेटा कोई चेंज नहीं मैं कह रहा हूं डोंट टेक एनी टेंशन बता इतनी बात आ गई समझ में आया चलो कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो होता है हर जगह अलग अलग होता है क्योंकि अब ये कॉफिशियंट बन चुका है तो ये जो होता है ना डिफरेंट डिफरेंट होता है जैसे कभी कभी सीएस जो होता है ना वो होता है पॉजिटिव टू परसेंट ये टू मैंने एग्जाम्पल लिया है ध्यान रखिएगा कभी कभी सीएस क्या होता है ये होता है नेगेटिव टू परसेंट कभी कभी एग्जाम में सीएस क्या दिया होता है प्लस माइनस टू परसेंट इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बाय एग्जाम्पल टू लिखा है ठीक है ना आप फाइव लिख लो टेन लिख लो कोई मतलब नहीं पॉजिटिव टू परसेंट दैट मीनस फ्लक्चुएशन जो हो रहा है देखो सीएस का सिग्निफिकेंस क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस वो बताने जा रहा हूं सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉफिशियंट फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज सीएस का जो पॉजिटिव सिग्निफिकेंस क्या कहता है ये कहता है मीन लाइन से पॉजिटिव ऊपर की ओर फ्लक्चुएशन हो रहा है देखो बाकी का साइकिल बाकी का साइकिल ठीक है स्टेबल है बट मीन लाइन से ऊपर की ओर फ्लक्चुएट हो रहा है एनर्जी सप्लाई करो इसको मेंटेन करो ठीक है ना तो सुनिएगा ध्यान से आ, मैं आप लोगों के लिए मीन लाइन बना देता हूं ये मीन लाइन है मान लीजिए ये मीन लाइन मैंने बना दिया मीन लाइन से ऊपर की ओर फ्लक्चुएट हो रहा है तो कितना फ्लक्चुएट हो रहा है ऊपर की ओर सर ऊपर की ओर जो फ्लक्चुएट हो रहा है प्लस का टू परसेंट ठीक है तो यहां जो CS का वैल्यू है वो क्या होगा जीरो पॉइंट जीरो टू कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ध्यान से यहां जो सी एस की वैल्यू है वो क्या होगी जीरो पॉइंट जीरो टू कोई दिक्कत नहीं है. पॉजिटिव का नेगेटिव कहां हो रहा है नीचे की ओर यहां भी सीएस की वैल्यू क्या होगी जीरो पॉइंट जीरो टू सर नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे नहीं बेटा ये नीचे की ओर है ये बता रहा है नेगेटिव ऊपर की ओर है ये बता रहा है पॉजिटिव अच्छा सर प्लस माइनस है तो बेटा इसका मतलब है ऊपर और नीचे दोनों जगह फ्लक्चुएशन हो रहा है ऊपर भी दो परसेंट और नीचे भी दो परसेंट तो टोटल कितना फ्लक्चुएशन हुआ डियर सर टोटल चार परसेंट का फ्लक्चुएशन हुआ कितना टोटल चार परसेंट का फ्लक्चुएशन हुआ इस कंडीशन में जो सी एस की वैल्यू रखी जाती है वो जीरो पॉइंट जीरो फोर समझे मेरी बात और ज्यादातर सिचुएशन ये होता है ये दोनों बहुत रेयर केस देखने को मिलता है तो आपने देखा बेटा कोई भी साइकिल ऊपर नीचे दोनों फ्लक्चुएट करती है तो ज्यादातर जो कंडीशन होता है वो यही आता है कोई भी साइकिल ऊपर नीचे दोनों फ्लक्चुएट करती है देखो ऊपर यहां तक गया नीचे यहां तक आया तो ये कोई भी साइकिल ऊपर नीचे दोनों चलती है ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में चलती रहेगी चलती रहेगी अब ऐसा साइकिल कहीं देखे हो क्या ऐसा नहीं होता ठीक है लेकिन हां रेयर केस में कभी कभी हो देखने को मिल जाता है ठीक है ना जैसे साइन स्क्वायर का ग्राफ तुम खींच के देख लो देखो मैं आपको सिखा देता हूं अगर आप साइन का ग्राफ खींच रहे हैं तो तो आप ऐसे खींच रहे हैं अगर आप कॉस का ग्राफ खींच रहे हैं तो तो आप ऐसे खींच रहे हैं तो प्लस माइनस आपको सब देखने को मिल रहा है बट जब आप साइन स्क्वायर का ग्राफ खींच तो रहे, है। रहे हैं तो आप ऐसे खींच रहे हैं स्क्वायर का ग्राफ खींच रहे हैं तो आप ऐसे ही खींच रहे हैं नीचे जा ही नहीं रहा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया वो ऊपर आ गया स्क्वायर करोगे पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ठीक ना तो ऐसे केस में हमें जो है देखने को मिल सकता है कंडीशन कोई दिक्कत नहीं का है ले रहे का चलो काटा जाए चल, क्लियर है ज्यादातर एक आपको एग्जाम में बेटा मैं आपको अभी से बता देता हूं ज्यादातर एग्जाम में आपको यही दिया होता है ठीक ना और बच्चे क्या करते हैं आंख पे पट्टी बांध कर सीएस बराबर जीरो पॉइंट जीरो टू रख के क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं बड़े खुशी से और आके घर पे कहते हैं गेट में नब्बे नंबर लाए ठीक है ना ओके तो इज दैट क्लियर ठीक है ना तो गेट पे नंबर ले नब्बे नंबर लाओगे बेटा ऐसे क्वेश्चन करके गलती तो कैसे काम चलेगा क्या बोला सब कुछ मिलेगा अच्छा हाँ रिपीट लास्ट लाइन ठीक है अब देखो बता रहा हूं कौन सा सी एस बराबर प्लस माइनस टू परसेंट ज्यादातर हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हमारे साइकिल में फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होता रहता है सक्शन हुआ तो नीचे कंप्रेशन हुआ तो नीचे ठीक है ना और एक्सपांशन हुआ तो ऊपर आइए हो गया तो नीचे तो ज्यादातर साइकिल ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती रहती है बट कहीं कहीं सिचुएशन हमें ऐसी दिखाई देती है कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी दिखाई देती है ध्यान रखिएगा तो साइकिल में कुछ भी हो सकता है नेगेटिव का परसेंट या पॉजिटिव का परसेंट या प्लस माइनस दोनों कुछ भी हो सकता है सीएस पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस दोनों कुछ भी हो सकता है ज्यादातर हमें ये दिखाई देता है मैंने ये बोला ज्यादातर हमें ये दिखाई देता है रीजन क्या है कि ज्यादातर साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होती है पॉजिटिव हाँ, और निगेटिव ज्यादातर साइकिल मतलब बहुत मिनिमम रेयर केस में हमें ऐसा देखने को मिलेगा ठीक है ना इसीलिए गेट का जितना भी क्वेश्चन खोलोगे आई का जितना भी क्वेश्चन खोलोगे तुम्हें यही दिखाई देगा ठीक है अब मैंने ये बोला कि साइन का कर्व जो होता है ऊपर नीचे दोनों चलता है साइन स्क्वायर का कर्व सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चलता है मैंने ये बताया ठीक है ना मैंने यही बताया कि जैसे मान लीजिए साइन है ठीक है ना ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और अगर साइन स्क्वायर है तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा सर पॉजिटिव साइन का नहीं पता था क्या ये सब ये नहीं पता था क्या ये तो बच्चों वाली चीज है ये तो पता होना चाहिए इलेवेंथ क्लास का है इलेवेंथ क्लास का टॉपिक है ये तो चलो हाँ तो जी ये चीज समझ में आ गया जी बताइए जी जी सर बेटा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड समझ में आ गया इसका मतलब अगर ऐसे दिया है क्वेश्चन में अगर कल को ऐसे दिया है क्वेश्चन में कि सिक्स स्ट्रोक इंजन है जिसमें सी एस की वैल्यू प्लस माइनस फाइव परसेंट हो रही है तो तुम समझ जाओगे टोटल दस परसेंट का फ्लक्चुएशन हो, हो रहा है अगर टोटल दस परसेंट का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए दस परसेंट का संभालना पड़ेगा हमें ठीक है ना हमें दस परसेंट के फ्लक्चुएशन को संभालना है ठीक है ना सो पॉजिटिव कहे लगा दिए भाई तो। हमें टोटल दस परसेंट के फ्लक्चुएशन को संभालना है चाहे जो हो चाहे ठीक है ना ध्यान रखिएगा अब दस परसेंट के फ्लक्चुएशन को संभालना है तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे हैवी मास है कि नहीं ज्यादा फ्लक्चुएशन संभालना है तो ज्यादा एनर्जी स्टोर करने वाला डिवाइस लेकर आएंगे और लगा देंगे कम फ्लक्चुएशन संभालना है तो कम अच्छा ये बताओ मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रखता हूं आपने रेसिंग कार देखी है आपने रेसिंग कार देखा है जी सर देखा है आपने रेसर को देखा है ओलंपिक में रेसर को जी सर देखा है बेटा मैं क्वेश्चन आपसे पूछ पूछना चाहता हूं जी सर पूछिए सर बताऊंगा सर अरे बेटा देखो रेसिंग कार फॉर्मूला वन कार देखा है हाँ सर देखा है सुनिएगा हाँ बेटा मीन लाइन के ऊपर और नीचे सेम ही दिखाई देगा मीन लाइन के ऊपर और नीचे सब बैलेंस्ड होता है ठीक है हाँ एक चीज और ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं लिखा रहेगा कहीं भी सी एस का मान ऐसा कहीं नहीं लिखा रहेगा कि प्लस का पांच परसेंट और माइनस का दो परसेंट ऐसा कभी नहीं लिखा होता है हम प्रोडक्शन का वो कहते हैं ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट टॉलरेंस नहीं लिख रहे हम हम एनर्जी के फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हैं यहाँ स्पीड फ्लक्चुएशन हो रहा है दिमाग में बवाल मचा पड़ा है रेसिंग कार आपने फॉर्मूला वन कार देखा है जी सर देखा अच्छा अगर मैं आपसे कहूं फॉर्मूला वन गाड़ी में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है कि कम होता है ये बताओ फॉर्मूला वन कार में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है कि कम होता है देखो मैं जो तो बात करता हूं प्रैक्टिकली बात करता हूं ठीक है ना मैंने चीजों को खुद प्रैक्टिकली पढ़ा इसलिए मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं ये बताओ रेसिंग कार में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता होगा कि कम होता होगा अगर ज्यादा होगा तो पहली बात तो रेसिंग कार क्यों है उसको घर में ले गया और रखे रहो है ना जाहिर सी बात है रेसिंग कार में फ्लक्चुएशन कम हो रहा होगा बिल्कुल सर अगर फ्लक्चुएशन कम हो रहा होगा दैट मींस माय डियर फ्रेंड अगर रेसिंग कार का फ्लक्चुएशन कम हो रहा होगा अगर रेसिंग कार में फ्लक्चुएशन कम हो रहा होगा इसका मतलब है कि वहां है फ्लाईवील जरूरत नहीं है? है ना बिल्कुल सर इसका मतलब जो रेसिंग गाड़ियां होती हैं जो रेसिंग कार होती हैं, उसमें फ्लक्चुएशन जो होता है कम होता है तो वहां रिम टाइप फ्लाईव्हील लगा सकते हैं वहां रिम टाइप फ्लाईव्हील लगा सकते हैं है कि नहीं लगा सकते ना तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आ, कौन बोल रहा है भाई ज्यादा सब कुछ मिलेगा तो ज्यादा हो जाएगा रेसिंग कार फ्लक्चुएशन कम होता है तो वहां क्या लगाते हैं रिंग टाइप लाइव ठीक है ना ध्यान रखिएगा इसका दूसरा मतलब यह है सुनिएगा इसका दूसरा मतलब यह है कि एक पतला आदमी तेजी से दौड़ता है एक मोटा आदमी ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ पाता तो रीजन पतले आदमी में कम फ्लक्चुएशन होता है मोटा आदमी जब तेजी से दौड़ने जाएगा ठीक है ना तो फ्लक्चुएशन हो सकता है ज्यादा हो जाए यह हो सकता है इतनी स्पीड से दौड़ ना पाए ठीक है ना बात समझ समझिए दौड़ने के बीच में उसका पेट आ जाए ये भी तो हो सकता है है कि नहीं तो भाई ये रीजन है समझ में आया रेसिंग कार में फ्लक्चुएशन कम होता है इसलिए हम रिम टाइप फ्लाईवेल यूज करते हैं क्योंकि फ्लक्चुएशन कम जहां ज्यादा फ्लक्चुएशन वहां हैवी मास फ्लाईवेल यूज करते हैं जहां ज्यादा फ्लक्चुएशन वहां हैवी मास अच्छा आप बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जाओ इंडस्ट्रीज में जाओ अच्छा चलो ना बड़े फैक्ट्रीज इंडस्ट्री का क्या करना हम आपको बताते हैं आटा चक... आटा पिसवाने गए हो कभी सर आटा कहा जाएंगे पिसवाने गेहूं गए ना पिसवाने अच्छा चलो गेहूं गए होगे पिसवाने ठीक है ना गेहूं गए हो गए पिसवाने बेटा एक चीज और बता देते हैं सुनिएगा तो आप जब गए हो पिसवाने तो आपने देखा होगा बेल्ट ड्राइव जी सर ये बेल्ट ड्राइव जो चल रहा है जी सर तो एक पुली पे चल रहा है जी सर वो पुली जो है वो कैसा है सर डिस्क टाइप अच्छा क्यों है रीजन, सर, ज्यादा होता है। ठीक है ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को लेथ मशीन के अंदर भी लेथ मशीन अगर आपने लेथ मशीन देखी है उसके अंदर भी जाकर देखो डिस्क टाइप ठीक है इस चीज को ध्यान रखना जहां फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है ठीक है ना तो हम इसको बैलेंस कर पाएंगे ना अच्छा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड के बाद बात आती है किसकी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की ठीक है ना फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या सर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होगा जरा बताओ तुम्हें फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होता था मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होगा मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी अच्छा अच्छा ये नाम कहीं और देखे हो इससे पहले सर ये तो वही है ना जो फ्लाईबिल स्टोर करता है हाँ कहा देखे हो अभी अभी बड़ा मस्त कलर में दिखाए थे ये तो यही है ना जो व्हील स्टोर करता है जी व्हील अपने अंदर यही स्टोर करता है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है जी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कहिएगा सही होता है मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी ओके डी सीधे 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 मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी सुनिएगा ध्यान से मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी दिस इज द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अच्छा फ्लक्चुएशन का का भी एक बना लो लोगों ने बोला कि स्पीड जैसे बनाए हो जैसे स्पीड का बना के तैयार कर दिए हो वैसे फ्लक्चुएशन स्पीड के एनर्जी का भी बना लो ठीक है चलो बना लेते ज्यादा अच्छा है ना कि फोर स्ट्रोक इंजन में इस इस फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी से काम हुआ तो उस पता करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ के लिए तो हमने क्या लगाया हमने स्पीड में लेकर आया एनर्जी कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अब कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है सर सी ई एनर्जी सी फॉर कॉफिशियंट याद आ रहा है सी एस एस फॉर स्पीड सी फॉर कॉफिशियंट तो जाहिर सी बात है पहले क्या कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मैक्स माइनस मीन अपॉन मीन यही होता था ना जी सर अच्छा तो ई e मैक्स क्योंकि एनर्जी का है माइनस ई मिन और कॉफिशियंट का कोई यूनिट नहीं होता इसलिए ई e मीन अच्छा जब हमने ये फॉर्मूला बताया तो यही हमारे दिमाग में एक बात आ गई मैंने कहा क्या यार ये बताओ साइकिल सारी अलग अलग होती है सक्सन कंप्रेशन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट सब अलग होता है ठीक ना एक साइकिल कंप्लीट हो गई तो दूसरी साइकिल फिर से आती है सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट फिर तीसरी साइकिल आती है यार ऐसे तो हजारों लाखों साइकिल चल जाता है एक गाड़ी अगर चलाकर जाते हैं तो आप बाइक पर बैठते हो किक मारते हो और बाइक स्टार्ट करके चले जाते हो मार्केट और मार्केट से घूमकर वापस आ जाते हो ठीक ना अभी मत निकलना आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है ठीक ना आप जाकर घूमकर वापस आ जाते हो और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये बताओ कि फ्लक्चुएशन हुआ जी सर फ्लक्चुएशन हुआ डिफरेंट डिफरेंट साइकिल हुआ यस और नो कितने साइकिल चला यार साइकिल तो हमें खुद गिना नहीं लाखों साइकिल चल चुका होगा पिस्टल सिलेंडर का आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे खूब हो रहा होगा कंप्रेशन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट दैट्स इट मैं आपको जो ये दिखाया था ये एक साइकिल का ये एक साइकिल का है ध्यान रखिएगा ठीक है ना तो सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट इस तरीके से जी सर तो मेरा क्वेश्चन ये है क्या हजारों लाखों साइकिल हो जा रहा है हमें तो पता नहीं कितना साइकिल हो रहा है अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम अपने घर से मार्केट होकर वापस आ गए बताओ कितनी साइकिल तुमने चलाई तो तुम बता पाओगे क्या क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं सर जब तुम ये नहीं बता पाओगे तो तुम मीन एनर्जी कैसे निकालोगे भाई तुम्हें पता होना चाहिए ना कितना हो रहा है तभी तो डिवाइड बाई मरेंगे तभी तो मीन निकलेगा सारी साइकिल का जी सर तो बेटा हम मीन एनर्जी नहीं निकाल सकते चाहे जो हो जाए हम मीन एनर्जी नहीं निकाल सकते तो सर फिर इस फॉर्मूले को कंप्लीट कौन करेगा जब मीन एनर्जी होता ही नहीं है तो इसको निकालेगा कौन बेटा इसको निकालेगा ये हमें नहीं पता कितनी साइकिल हुई एक साइकिल दो साइकिल तीन साइकिल डॉट 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 इंफाइनाट से हमें नहीं पता कितनी साइकिल हुई हम यहां से मार्केट गए मार्केट से वापस आ गए बाइक लेकर हमें नहीं पता अंदर कितनी साइकिल चली हम गिरने थोड़ी ना बैठे अंदर ठीक है ना हमें नहीं पता इनफाइनाइट तो अपन क्या करते हैं अपन जुगाड़ लगाते हैं कि एक साइकिल में एनर्जी देखते हैं। क्या देखते हैं हमें नहीं पता एनर्जी तो अपन क्या करते हैं मीन एनर्जी को मीन एनर्जी को मीन ना बोलकर इसको बोलते हैं ये ना बोलकर इसको बोलते हैं कि एक साइकिल की एनर्जी दे दो मैं एक साइकिल का सी /E निकाल लूंगा एक साइकिल का सी /E निकाल लूंगा देखो एक साइकिल का कैसे निकालते हैं जैसे एक साइकिल है तो इतने से इतने के बीच में फ्लक्चुएट हुआ जी सर तो एक साइकिल का सीई निकाल लूंगा और ऐसे हजारों लाखों इंफाइट साइकिल मोशन हुआ है मैं बस सोच लूंगा इसी की तरह सब हुआ है मैं बस सोच लूंगा मान लूंगा बात समझ में आया तो फिर एक टर्म पैदा हुआ जिसका नाम बना क्या सीई सीई कहता है एक साइकिल का एनर्जी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द एक साइकिल का एनर्जी एनर्जी इन वन साइकिल ठीक है ना इसी को आगे चल के एनर्जी इन वन साइकिल को ही हम आगे चल के क्या कहते हैं मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी डिवाइड बाई एनर्जी इन वन साइकिल तो इसको ऐसे बोला गया एनर्जी का मतलब क्या है वर्क डन जी सर वर्कडन निकालना बहुत आसान है एनर्जी ही तो वर्क डन है वर्क डन पर साइकिल पर साइकिल क्यों लिखा जा रहा है डियर आप समझ गए बात एक साइकिल का सो दिस इज नन अदर देन दिस इज सीई, ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन गया सीई क्लियर है क्लियर क्लियर सो so, एक साइकिल का फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी देखने का तो भाई एक साइकिल के अंदर किस हिसाब से होगा आई डोंट नो डिफरेंट डिफरेंट साइकिल ओके नाउ अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं फ्लाईविल क्या काम करता है सर फ्लाईविल इस एनर्जी को कंट्रोल करता है इस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है टू स्टोर द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू स्टोर द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और हम क्या करते हैं फ्लाईविल से कहते हैं कि तुम एक साइकिल का कितना दे सकते हो सीई वो पता करते हैं एनर्जी कितनी है स्लाइक साइकिल के पास सुनोगे मेरी बात व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस मान लो यहां व्हील लिख दिया सुनिएगा ध्यान से व्हील का काम क्या है डेल्टा ई देखना और यहां से पता करना व्हाट इज सीई व्हाट इज सीईके लाइवल का काम क्या है अच्छा अच्छा आपको पता है ना यहां स्पीड का फ्लक्चुएशन होता है जी सर उसके कारण एक टर्म निकलता है जिसका नाम है सीएस यहां स्पीड का फ्लक्चुएशन होता है जी सर उसके कारण एक टर्म निकलता है डेल्टा एन है ऑन नहीं लिखा है डेल्टा एन है चेंज इन स्पीड उसके कारण एक कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकलता है जी सर इससे हमें क्या पता चलता है कि गाड़ी में फ्लक्चुएशन ज्यादा है कि कम है इससे हमें क्या पता चलता है गाड़ी में फ्लक्चुएशन ज्यादा है कि कम है ठीक है यह बात करता है फ्लाईबिल से कि मुझे बचा लो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहता है कि मेरे अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है प्लीज 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 मुझे बचा लो फ्लाईबिल कहता है अच्छा रुको मैं बात करके आता हूं भाग के जाता है किसके पास कहता हाँ, कितना सेफ है अपने पास आपदा आ गई है आपदा आ पड़ी है इसको ज्यादा हो रहा इसको है इसको संभालना पड़ेगा हम लोगों को ठीक है ना जैसे इस समय कोविड चल रहा है ये डॉक्टर साहब है ठीक है ना और ये कौन है ये वैक्सीन है लगवा लेना इन आपदा आ पड़ी है अपने पास कितना है तो एनर्जी नहीं बताता है ये बात, ये बात करता है इससे ये बात करता है इससे कि हाँ कितना है तो हम लोग सी की वैल्यू देखते हैं अच्छा अच्छा सी की वैल्यू ज्यादा अच्छा अपने पास ज्यादा है ठीक है ठीक है ना अपने पास ज्यादा है ठीक है फिर ये वापस आता हाँ ठीक है काम हो जाएगा समझ में आई बात क्या चल रहा है कहानी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हुआ तो हम स्पीड स्पीड ने अपना एक सिंबल भेजा क्या सी एस कि फ्लाईविल फ्लाईविल मेरा सी देखो जैसे क्रेडिट कार्ड लेने से पहले सिविल रिपोर्ट देखते है ना ठीक है ना बैंक वाले जैसे सिविल रिपोर्ट देखते हैं लोन देने से पहले तुम्हारा पीछे का बैकअप चेक करते हैं सारा वैसे स्पीड सीएस सीएस कौन देखा व्हील कहता है अरे यार तुम्हें बहुत आपदा पड़ी है चलो चलते हैं यहां ठीक है हाँ अपने पास कितना खाते में कह रहे हाँ प्राप्त है ठीक है हो जाएगा काम ये जाता है वापस कहता है हाँ हो जाएगा चलो भाई बैलेंस करते हैं ये काम चलता है ठीक है ना समझ में आया ऐसे काम चलता है फ्लाईविल के अंदर ऐसे काम चलता है फ्लाईविल के अंदर एंड दिस इज द बेसिक बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ सी एस एंड सीई देखो सी एस और सीई का सिग्निफिकेंस कोई नहीं बताता मैं फिर से बोल रहा हूं सी एस और सीई सिर्फ फॉर्मूले में ही रह गए आजकल जीवन में ठीक ना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बताता है तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखो अभी बताऊंगा अच्छा तुम लोग को वर्क डन पर साइकिल निकालना भी सिखाऊंगा वैसे तो तुम लोग थर्मोडाइनमिक्स में परफेक्ट हो लेकिन तुम तो मेरी क्लास में भी एक बार परफेक्ट हो जाओगे जब मैं कल आपको टर्निंग मोमेंट डायग्राम सिखाऊंगा ना तो मैं आपको डन पर साइकिल दिखाऊंगा टेंशन मत मतलब। लो। आपको सीएस और सीई की कहानी पता चल गई क्लियर है क्या हम सेंचुरी लगा चुके हैं क्या सेंचुरी लग गया है क्या थैंक यू सो मच गाइश थैंक यू देखो ध्यान से सीएस और सीई बिल्कुल बहुत मजेदार टॉपिक लाजवाब जबरदस्त जानदार क्लियर है क्लियर है यस yes. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना क्या चल रहा है यहाँ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ स्पीड ठीक है आपको फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड दिखाया ठीक ना? Fluctuation of energy, कौन करता है भैया फ्लाइबी? अच्छा फ्लाई व्हील का नाम उड़ने फ्लाई व्हील का नाम फ्लाई व्हील क्यों पड़ा था क्योंकि ये इतनी स्पीड में घूमता था जस्ट लाइक like ये क्या हो रहा है ये ऊपर उड़ रहा है ना कितनी स्पीड में ये क्लियर बचा लोग बताइए क्लियर है चल, अब क्वेश्चन आता है सबसे पहला जब मैंने आपको बताया फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एक बच्चा भागता हुआ है मैंने कहा क्या हुआ सर 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 मैंने कहा क्या हुआ सर फ्लाइविल कौन सी एनर्जी स्टोर करता है सुनिएगा क्वेश्चन ये है चिंटू सोच रहा है चिंटू कुछ सोच रहा है ये चिंटू का हाथ चिंटू सोच रहा है ठीक है चिंटू क्या सोच रहा है फ्लाई व्हील कौन सी एनर्जी स्टोर करता है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हैं काइनेटिक एनर्जी आप इसको काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं एक होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक होता है स्प्रिंग इसको थोड़ा सा सिस्टम में दो टाइप के एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर दो टाइप है एक है लीनियर काइनेटिक एनर्जी जिसको हम ट्रांसलेशन के कारण यूज करते हैं एक होता है हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दो होती है एक होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एक होता है ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी हमें इतनी एनर्जी पता है जी सर तो टेंशन ये है कि फ्लाईवील कौन सी एनर्जी स्टोर करता है ये चार ऑप्शन है जरा कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा कि सर 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 कौन सी एनर्जी स्टोर करता है ये फ्लाईवील जरा कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा फ्लाईवील कौन सी एनर्जी यस विजय वेरी गुड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये स्टोर करता है फ्लाईबिल फ्लाइबिल के अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है मैं आपको इन चारों काइनेटिक एनर्जी का ये चारों एनर्जी का फॉर्मूला लिख के बता सकता हूं ठीक है ना दिस इज दाफ एम वी स्क्वायर दिस इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर दिस इज एम जी एच यह चार एनर्जी होती है आप मैकेनिक्स में पढ़ते हो ठीक है ना ध्यान रखिएगा ये है सर अब इसमें से फ्लाईविल जो है हमारा क्या करता है फ्लाईविल इसको उठाता है फ्लाईविल इस एनर्जी को स्टोर करता है इसको स्टोर करता है बेटा फ्लाईविल के लिए यही काफी इसको स्टोर करता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ठीक है भाई तो अब यहीं से एक क्वेश्चन और जन्म लेता है सुनिएगा ध्यान से फ्लाईविल स्टोर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो एनर्जी क्या है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओके हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओके जीजिकली को रिलेटेड टू आई एंड ओमेगा ठीक है एनर्जी इज बेसिकली रिलेटेड टू आई और ओमेगा अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे सीरियसली बताओ एनर्जी डिपेंड किस पे कर रहा है आई और ओमेगा में से एनर्जी डिपेंड किस पे कर रहा है बता पाओगे क्या बहुत ही शानदार लाइन पूछा है मैंने बहुत ही शानदार चीज पूछा है मैंने मैं फिर से पूछ रहा हूं एनर्जी डिपेंड किस पे कर रहा है ये बता एनर्जी आई पे डिपेंड करता है कि ओमेगा पे एनर्जी आई पे डिपेंड करता है कि ओमेगा पे बस ये बताओ देखो आई और ओमेगा अगर मैं बात करूं सुनिएगा ध्यान से मेरे पास कोई भी एक फ्लाईवील है एनी एनीथिंग एनी अस लेटा सपोज मेरे पास डिस्क टाइप व्हील है मेरे पास डिस्क टाइप व्हील है सुनिएगा ध्यान से अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा अगर मेरे पास डिस्क टाइप व्हील है इसका मतलब है कि मैंने अगर ये फ्लाईवे ले लिया अपने सिस्टम में इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि मेरा आई कॉन्स्टेंट हो गया अगर मैंने एक सिस्टम के अंदर ये फ्लाईवे ले लिया तो इसका मतलब है मेरा आई क्या हो गया बेटा कॉन्स्टेंट हो गया अब इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ानी है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा सर स्पीड बात समझे इज दैट क्लियर अगर कोई सिस्टम हमने ले लिया मतलब कोई भी डिस्क टाइप रिम टाइप चाहे जो मैंने एक सिस्टम खरीद के ले आया ठीक है ना मैं मैं आपको इस सॉरी इधर ही चलो जल्दी हां मैं आपको यहां ले चलता हूं मैं ये चीज खरीद कर ले आया कि मुझे जिम करना है अब भाई मैं लेकर आ गया अब मैं इसका ना मास बढ़ा सकता हूं ना मैं आई बढ़ा सकता हूं हाँ या ना अब मुझे इसकी एनर्जी बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा सर ज्यादा तेजी से पैडल मारूंगा स्पीड बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी बोलो हाँ या ना है कि नहीं तो किसी सिस्टम के अंदर अगर आई कांस्टेंट हो जाता है तो एनर्जी इज बेसिकली डिपेंड ऑन स्पीड ठीक है ना बात समझ में आ गया बात समझ में आ गया तो अगर आई बेटा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे से आई कांस्टेंट कैसे हुआ मैं फिर से बता रहा हूं फिर से एक बार लेकर चलता हूं आप खरीद कर लेकर आ गए अब आपकी ये मजबूरी है अब आप इसको नहीं वापस कर सकते आप इसको चेंज नहीं कर सकते में आया अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते ये आपकी मजबूरी है इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर यस और नो ये आपकी मजबूरी है अरे दादा ये आपकी मजबूरी है ही ना और मजबूरी के कारण हम आई को कांस्टेंट रख रहे हैं हम ठीक है ना अब हम क्या करेंगे बेटा हम कहेंगे ओमेगा चेंज हो रहा है इसका मतलब यह है कि अगर आप कहो कि बेटा मैक्सिमम एनर्जी तो आप कहिएगा हाफ आई आई तो कांस्टेंट हो गया ओमेगा मैक्स का स्क्वायर और मिनिमम एनर्जी की बात करूं तो इसका मतलब आप कहिएगा हाफ आई ओमेगा मिन का स्क्वायर है कि नहीं ये आप कहिएगा ये आप कहिएगा बोलिए हाँ कहिएगा बिल्कुल कहिएगा कर दिया मैंने ये आई होता क्या है? सर आई के बारे में थोड़ा बहुत लेने का ठीक है ना आई के बारे में अभी जानोगे थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद जानना आई का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा आई जो होता है एम के स्क्वायर होता है फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाईवील पढ़ाऊंगा आपको बहुत सारी चीजें हैं अभी इस एनर्जी से मैं अभी आगे बात करूंगा पहले मेरे पास दो चीजें आ चुकी हैं मेरे पास दो चीजें आ चुकी हैं मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी ठीक है जी सर बेटा अभी अभी हम क्या पढ़ के आए हैं फ्लाईवील क्या स्टोर करता है सर फ्लाईवील स्टोर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ठीक है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होती है जी सर ये तो आगे चलते हैं फ्लाईवील स्टोर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फ्लाईवील क्या करता है स्टोर करता है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को मतलब डेल्टा ए मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम इनर्स हाफ आई प्लस हाफ आई ओमेगा मिन स्क्वायर हाफ आई कॉमन ले लीजिए ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा मीन स्क्वायर कर सकते हैं बता इतना कर सकते हैं जी सर कर सकते हैं बेटा चेंज इन एनर्जी क्या होगी सर हाफ आई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा जी ए प्लस बी ए माइनस बी बोलो हाँ या ना ए प्लस बी ए माइनस बी कोई दिक्कत नहीं सर भाई इस हाफ को अगर अपन इसके साथ ले लें ये जो हाफ देखने को मिल रहा है ना आपको ये हाफ ये आई तो आई ही रहेगा ये हाफ अगर इसके नीचे आ जाए तो तो ये बन जाएगा ओमेगा मीन बोलो हाँ या ना जी सर मैक्स प्लस मीन बाई टू तो डेल्टा ई क्या बन जाएगा जी सर आई ओमेगा मीन इनटू ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मीन जी सर देख लो बन जाएगा बिल्कुल बनेगा अच्छा अब अगर मैं बात करना चाहूंगी यार सुनना मेरी बात मेरा मन क्या पहली बात तो आपको बता दूं आपने एक लाइन ये याद रखना आप ये याद रखना बहुत काम की चीज है बहुत फॉर्मूला बहुत फैंटेस्टिक फॉर्मूला है वो ठीक है ना एंड दिस इज द डेरिवेशन दिस इज द डेरिवेशन ध्यान रखिएगा इसी का डेरिवेशन है ये अच्छा इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं आई इंटू ओमेगा मीन इंटू ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन यहां मल्टीप्लाई किया ओमेगा मीन और डिवाइड किया ओमेगा मीन से कोई दिक्कत मैंने मल्टीप्लाई किया मीन से डिवाइड किया मीन से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है चलो बेटा मीन इंटू मीन क्या हो गया मीन का स्क्वायर है कि नहीं ये और ये अगर आपस में जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा स्क्वायर आई ओमेगा मीन का स्क्वायर और यहां क्या है डिवाइड omega ओमेगा ये क्या है कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में कोई बताएगा क्या है ये बेटा देखो पढ़ते रहो बस खत्म हो जाए फिर चलेंगे अपन ये चीज खत्म करके चलते हैं या कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बेटा देखो हम सभी लोग जानते हैं यहां एन मैक्स माइनस एन मीन अपॉन एन मीन जी सर बेटा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा जी सर तो जैसा एन है वैसा ओमेगा का फॉर्मूला भी हो सकता है बिल्कुल सर ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मीन अपॉन ओमेगा मीन हो सकता है यस yes. so, इसका मतलब ये क्या है सीएस सो डेल्टा ई आई ओमेगा मीन स्क्वायर इसको क्या कहेंगे जी सर इसको कहेंगे सीएस क्लियर है बेटा आई ओमेगा मीन स्क्वायर इंटू सीएस क्लियर है बेटा बताओ क्लियर है इसको सी एस कहेंगे ठीक है ना ये वाला पार्ट जो है वो सीएस है ध्यान रखना ठीक है सर कहानी खत्म नहीं हुआ है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का एक फॉर्मूला ये है एक फॉर्मूला 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 को सितारा से दिखाना पड़ेगा मुझे ठीक है दिस इज द गोल्डन फार्मूला डियर ध्यान रखना ये हमारा क्या है दिस इज द गोल्डन फार्मूला ये बहुत ही गोल्डन फार्मूला है बेटा ये गोल्डन फार्मूला है ये इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा क्योंकि इसी फॉर्मूले से मैं फ्लाईवील के सारे क्वेश्चन करूंगा कल नहीं परसों कल करूंगा ट्रेंडिंग वॉइट डायग्राम ठीक है ना कल एनर्जी के बारे में बहुत चीजें बतानी है मुझे आपको ठीक है ना तो दिस इज गोल्डन फॉर्मूला आई ओमेगा स्क्वायर सी एस अच्छा एक चीज और डेल्टा ई बराबर अभी क्या लाए हो सर आई ओमेगा मीन स्क्वायर इंटू सी एस अगर मैं बात करना चाहूं मेरा मन किया मैंने कहा क्या मन किया कह यार मेरा मन कर रहा है टू का ऊपर मल्टीप्लाई और टू का नीचे डिवाइड करने का कर कर लो तो मैंने कर लिया भाई फिर मैंने सबसे पूछा कि देखिए सुनिएगा सभी लोग ध्यान से अगर मैं इस भाग को ले लो ये भाग दिख रहा है हाफ आई ओमेगा मीन स्क्वायर दिख रहा है आपको ना ये भाग हाफ आई ओमेगा मीन स्क्वायर क्या है ये भाग हाफ आई ओमेगा मीन स्क्वायर क्या है ये भाग सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एनर्जी होती है अच्छा ओके okay. तो टू को तो अलग ही रख दीजिए चल जाएगा हाफ आई ओमेगा मीन स्क्वायर टू सी एस ये आ गया क्या ये आ गया एनर्जी ठीक है ना अब मीन एनर्जी नाम के कोई चीज नहीं होता सर टू सी एस तो डेल्टा तो ई का एक और फॉर्मूला जो इतिहास में फेमस हुआ आगे चल के वो ये रहा ठीक है क्लियर तो डेल्टा ई का ये भी फॉर्मूला इतिहास में आगे चल के फेमस हुआ बट इससे एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना हाँ ग्राफ वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा इससे टेंशन मत। और ए ये तो होता ही है इसको तो देखा ही है तो बिल्कुल देखा है ठीक है क्लियर है एक बार बताओ क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है मीन होता ही नहीं है मैं क्या कहूं कितनी बार कहूं तुम लोगों को मीन होता ही नहीं है मीन मत बोला करो मीन एनर्जी होता तो मैं इस बेचारे को क्यों अकेला छोड़ता ये बेचारा यहां मीन एनर्जी नहीं लिख देता मीन एनर्जी नाम बस चीज़ ही नहीं होता मीन एनर्जी क्या होता है जी? कुछ नहीं होता क्लियर बताओ भाई ठीक है सारा नोट्स टेलीग्राम चैनल आलोक लाइफ पे भी कुछ देर में डल जाएगा कुछ देर में आलोक लाइफ टेलीग्राम चैनल पे सारा नोट्स डालूंगा अच्छा ये हमारा पूरा पूरा व्हील का खेल अब बात आती है बेटा किसकी यहां आ गए सर ये एनर्जी जो है ये आई का क्या खेल है आई क्या है आई इज द मूवमेंट ऑफ एनर्सिया अब मैं आपको एनर्जी के बारे में बता देता हूं एनर्जी के बारे में मजा आ रहा है एक बार बता दो कमेंट करके एक बार बता दो मजा आ रहा है या ना कमेंट करके एक बार बता दो मजा आ रहा है बोलो या ना बता भाई मजा आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, है ये हुई ना बात ठीक है अब एनर्जी के बारे में भी एक बार सुन लेते हैं चलने देखा जाए आ जाओ एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ठीक है ना ये क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बारे में सब लोग जानते हैं आई क्या आई इज एम के स्क्वायर आई क्या होता है जी एम क्या होता है जी मास और के क्या है के इज रेडियस ऑफ गायरे अच्छा इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये आई क्या है आई जो है ये होता है बेटा मास मूवमेंट ऑफ एनर्सिया ये होता है हमारा आई मास मूवमेंट ऑफ एनर्सिया होता है हमारा आई ध्यान रखिएगा के होता है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा एक पूरी पूरी कॉन्सेप्ट ऑफ द डे मैंने इसमें लगा दिया था इज लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आपको 40-50 वीडियो बनाए थे मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ द डे आप लोगों को याद होगा लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने उसमें से एक लेक्चर मैंने रखा था ठीक है ना पूरा पूरा एक लेक्चर पूरा दिया था लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन कर लीजिए या रेडियस ऑफ गायरेशन कर लीजिए ध्यान से ठीक है ना तो आप इसको लीस्ट वर्ड हटा दीजिए रेडियस ऑफ डायरेक्शन ही लिखिए ज्यादा अच्छा लगेगा ठीक है वो हमेशा कम ही लेते हैं वो सबको पता है अच्छा फ्लाईवील दो टाइप का होता है सुनिएगा ध्यान से बच्चा लो फ्लाईवील दो टाइप का होता है क्लियर सुनिएगा ध्यान से फ्लाईवील दो टाइप का है एक होता है एक होता है रिंग टाइप फ्लाईविल और एक होता है डिस्क टाइप फ्लाईविल ठीक है एक होता है रिम टाइप ठीक है इसी को हम लोग क्या कहते हैं रिंग टाइप एक होता है डिस्क टाइप फ्लाईवील ये फ्लाईवील के टाइप हैं ध्यान रखिएगा फ्लाईवील दो टाइप का होता है यहां जो होता है के ठीक है ना इसका जो रेडियस है वो आर है इसका जो रेडियस है वो आर है यहां जो के होता है वो आर के बराबर होता है और यहां जो के होता है वो आर बाई रूट टू होता है बात समझ में आया अगर आपको रेडियस ऑफ फ्लाईवील दिया है तो आपको रेडियस ऑफ गाइरेशन जो होगा वो क्या होगा रिम टाइप फ्लाईवील में इक्वल क्यों होता है मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ गाइरेशन क्या होता है कि मास जहां इक्विलिब्रियम हो जाए वहां से सेंटर के बीच के डिस्टेंस जैसे अगर मैं कहूं आपका साइकिल है तो साइकिल में चारों तरफ ट्यूब में हवा जो भरी है बराबर भरी है बिल्कुल सर तो उसका सेंटर से सेंटर से तुम इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ कहीं भी जाओ हर जगह मास बराबर है ठीक है ना सो so इसीलिए के बराबर आर होता है देश के टाइप में डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे होता है इसीलिए यहां आर बाई रूट टू होता है ध्यान रखिएगा क्लियर है क्लियर है इज दैट क्लियर चलो तो के बराबर आर के बराबर आर बाई रूट दो देखो ध्यान दे से तो अपन क्या कहूंगा आई बराबर एम के स्क्वायर लिखा बिल्कुल यहां से हमने ये सारी चीजें देखी तो अगर मैं रिम रिंग, रिंग टाइप या रिम टाइप फ्लाइव की बात करूं रिम तो इसका आई क्या होगा सर एम आर स्क्वायर क्यों क्योंकि सर के की जगह आर रख सकते हैं आप बिल्कुल और अगर मैं डिस्क टाइप की बात करूं तो इसका जो आई होगा एम आर स्क्वायर बाय टू समझ रहे हो क्लियर है तो अगर अब समझना मेरी बात अब मेरी बात पूरी बात समझने की कोशिश करना अगर सेम मास और सेम रेडियस का ठीक है ना चलो अच्छा मास को अभी रोकते हैं सेम रेडियस का व्हील है दोनों आर और आर ठीक है ना अगर सुनिएगा सेम रेडियस का व्हील है मतलब आपने रिम टाइप फ्लाईबिल भी छोटा सा लिया है पांच सेंटीमीटर का मैं एक बात बता रहा हूं और डिस्क टाइप फ्लाईबिल भी पांच सेंटीमीटर रेडियस का लिया है जी सर लिया है तो तो सर ऐसे सिचुएशन में मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क टाइप का क्या होगा कम होगा ठीक है ना समझिएगा यहां एम है यहां एम बाई टू है ठीक है ना या अगर दोनों को बराबर करना है तो डिस्क टाइप का मास आधा करना पड़ेगा ठीक है ना इस चीज को समझने की कोशिश करना या एम बाई टू है वो आर स्क्वायर या एम इन टू आर स्क्वायर चीजों को अगर बराबर करना है तो ये चीजें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे एग्जाम में घुमाया आपको ऐसे जाता है समझिएगा क्वेश्चन नहीं आप ऐसे लिखो यहां आप देखना ध्यान से आपसे कहा जाएगा फॉर सेम रेडियस ऑफ डेस्क एंड रिम टाइप फ्लाईविल सेम रेडियस ऑफ डिस्क एंड रिम टाइप फ्लाईविल रिम बोले रिंग बोले जो बोले ठीक है ना सेम रेडियस दोनों का रेडियस क्या है सेम है ओके okay. अगर रेडियस सेम हो गया आर हटा दू तो आई एम के बराबर है आई एम बाई टू के तो आई ऑफ रिम ज्यादा हो जाएगा आई ऑफ डिस्क से क्लियर है क्लियर है यस और नो क्लियर है यस और नो बताओ मेरे को क्लियर बट 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 वट इज द बट सर बट ऐसा कभी होता नहीं है तो वट इज द देखो दोनों का रेडियस सेम रखना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्यों क्योंकि जाहिर बात है हमें पता है इसका मास ज्यादा है ठीक है ना इसीलिए क्या करते हैं ऐसा सिचुएशन अगर आपको आता है तो आप यह करिएगा ना दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल मैं यहां लिखना चाहूंगा बट अब तुम कहोगे कि नहीं मैं जबरदस्ती बनाऊंगा उसका भी रेडियस इसका भी रेडियस तो गलत है प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल तो पॉसिबल क्या है सर द पॉसिबल थिंग इज दिस पॉसिबल ये है सेम रेडियस तुम नहीं कर सकते ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है फॉर सेम मास क्या ये पॉसिबल है फॉर सेम मास ऑफ़ डिस्क एंड रिम टाइप लाइबल अगर दोनों का मास सेम हुआ सुनिएगा ध्यान से अगर दोनों का मास क्या हो गया सेम हो गया तो ये आर स्क्वायर है ये आर स्क्वायर बाई टू है ठीक है ना ये पांच स्क्वायर पच्चीस ये पांच स्क्वायर पच्चीस बाई टू ये आधा फॉर सेम मास आई ऑफ रिम टाइप इज ग्रेटर देन आई ऑफ डिस्क टाइप यस आई ऑफ रिम टाइप ग्रेटर देन आई डी टाइम यस दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल सेम मास कर सकते सेम रेडियस नहीं कर सकते अच्छा सर मतलब समझे नहीं बेटा देखो दोनों का सेम मास करना था तो मूवमेंट ऑफ इनर्सिया जो है रिम टाइप का ज्यादा बड़ा करना है मतलब इसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखाई देगा ठीक है ना साइज देखो यहां रेडियस सेम किया वो सेम वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन सेम मास के लिए बेटा आई इसका ज्यादा होगा इसका आई कम होगा देख सेम मास के लिए डिस्क टाइप छोटा बनेगा रिम टाइप बड़ा बनेगा साइज चेंज हो सकता है बट सेम मास है तो रिम टाइप का आई ज्यादा होगा टाइप का कम होगा समझ में आई बात यस करण योर राइट करण योर राइट गाइस इज दैट क्लियर गाइस इज दैट क्लियर यस और नो सो दिस वन इज द प्रैक्टिकली पॉसिबल और इसीलिए आप आज देखते हो अब जितने भी गाड़ियां आ रही हैं धीरे 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 कोशिश की जा रही है कि उसके अंदर कोशिश यह किया जा रहा है बेटा ये सब चीजें ध्यान से हम लोग देखें और इन सब चीजों को बात को ध्यान रखा जाए क्लियर बेटा। है बेटा ठीक है चलो ये जो है ये जितनी भी क्लासेस हो रही हैं मैं आप लोगों को एक बार और बता रहा हूं ये जितनी भी क्लासेस चल रही हैं इन सारी क्लास का सारे क्लास का देखो यहा, यहां मैं सब कुछ लिखा है मीन स्पीड, रोटेशन सब दिया हुआ था, फिर भी आपको अलग से पढ़ाया है, एनर्जी फ्लक्चुएशन सब दिया है और हां कल पढ़ाऊंगा टर्निंग मोमेंट डायग्राम कल से टर्निंग मोमेंट डायग्राम चलेगा ध्यान से ठीक है अच्छा सो ये जितना भी क्लास हुआ है सबका सब आपको टेलीग्राम चैनल का नाम है आलोक लाइव सर्च कर लो अदरवाइज अगर आप गूगल में जाकर ढूंढना चाहते हो तो टी डॉट एम ई स्लैस आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा गूगल क्रोम में जाकर लिख देना टी डॉट एम इसलोक आ जाएगा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे पीडीएफ नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे तो वहां देख लीजिए सो गाइस अगर आप गेट एंड डी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप यहां हमें ज्वाइन कर सकते हैं गेट एंड डीएससी का सब्सक्रिप्शन गाइज अगर आप ज्वाइन करते हैं बारह महीने का तो आपको ज्यादा फायदा अठारह महीने और चौबीस महीने पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डियर ज्यादा फायदा होगा ठीक ना बारह महीने का प्लान जो है बेटा आपको कोड लगाना है आलोक लाइफ मैं फिर से बता दे रहा हूँ कोड इज नथिंग बट दिस इज आलोक लाइफ कोड इज आलोक लाइफ जो हर जगह वैलिड है अगर आप मेरा कोड लगाते हो तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा पहली बात तो ई एम आई ऑप्शन अवेलेबल है उस पर ठीक ना और भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा तो इन सब चीजों पर ध्यान से देखो अगर आप आइकॉनिक लेते हो बेटा यहाँ भी बारह महीने और चौबीस महीने का है अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो अगर आप प्लस पे लेते हो तो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो ठीक है ना ध्यान रखिएगा प्लस पे इस समय मेरा बैच चल रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ठीक है ना जिसमें आज जो क्लास होने वाली है वो है डाउट क्लियरिंग क्लास ठीक है ना ध्यान रखिएगा और आज रात बिल्कुल मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा हाँ दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल टी डॉट एम ई स्लैश एट द डेट टी डॉट एमट स्लैश आ लोक इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो ठीक है और रैंकअप टेस्ट सीरीज अभी चलेगा डियर और यस आज रात से जो अपना स्टार्ट हो रहा है टीयर ग्यारह से आई रिक्वेस्ट टू एंड एवरी स्टूडेंट एक बार देख लीजिए आज रात ग्यारह बजे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं टोम के प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो इस क्लास के बच्चे हैं वो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि बेटा रात में क्वेश्चन करके सोगे तो सुबह अच्छी अच्छे तरीके से उठोगे टोम की क्लास में ठीक है ना तो ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा एक घंटे का होगा डेली एक घंटे का होगा और टारगेट होगा कितना सौ क्वेश्चन का बहुत हाई स्पीड में क्वेश्चन करवाएंगे आपका भी स्पीड बढ़ जाएगा ठीक है ना तो आइएगा जरूर कोशिश यही है कि सौ क्वेश्चन हो अगर सौ नहीं होगा तो अस्सी तक तो करेंगे ही ठीक है ना टोटल आठ से दस लेक्चर होगा 500-700 क्वेश्चन कर डालेंगे 500 हंड्रेड टू सेवन क्वेश्चन गारंटी कर डालेंगे इसकी मैं गारंटी लेता हूं 500 से 700 क्वेश्चन कर डालेंगे इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं ठीक है ना तो कृपया करके टोम की क्लास में जरूर आइए आज रात के क्लास में ठीक है ना बिल्कुल ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा सो थैंक यू सो मच गाइस आज रात 11 बजे आना ना भूलना ध्यान से आज रात 11 बजे आना ना भूलना मैं फिर से बता रहा हूं आज रात 11 बजे आना ना भूलना ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन बहुत मजा आया आज के सेशन में और इसी तरीके से अपना स्ट्रेंथ बना कर रखिए डेली डेली इसी तरीके से क्लास में आते रहिए सो टिल एंजॉय गाइस हमेशा खुश रहिए आगे बढ़ते रहिए जीवन में लगातार बने रहिए और चलिए मिलते हैं रात में ग्यारह बजे टिल देन एंजॉय तब तक लिए सभी को जय हिंद जय भारत